everyone. Welcome to Unacademy Studios Pledge. This is me, Rajul Shrivastava. आप सभी का स्वागत करती हूँ संडे की सुबह में Unacademy Studios Pledge में और हमारी enthusiastic टीम, हमारी बहुत ही energetic टीम आपकी प्रिपरेशन करा रही है मध्य प्रदेश की PSC एग्ज़ाम के लिए और साथ ही व्यापम के जो अदर एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए. सो एक नज़र डालते हैं हमारी प्यारी सी टीम के लिए. सो Unacademy Studios Pledge की जो टीम है, सो वी हैव दिनेश ठाकुर सर विद अस, शैलेंद्र तिवारी सर विद अस, सन्मति जैन सर विद अस, साथ ही कृपा शंकर सर विद अस और इन सभी के साथ मैं राजू श्रीवास्तव. और हम सभी का एक ही मोटिव है कि आपको एक नॉर्मल एग्जामिनर से आपको ऑफिसर्स बनाना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को. तो आज का ये जो सेशन है या मेरे जो सेशन है वो है मध्य प्रदेश के जीके के बारे में. और हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश का जीके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का जीके मेरे यानी राजुल श्रीवास्तव के साथ. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार सा है, बहुत ही डिफरेंट है. टॉपिक है स्लैम बुक. सभी ने यूज़ की होगी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, स्लैम बुक या फ्रेंड्स बुक जिसे कहते हैं. और जनरली जो भी हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है या होती है उनसे हम ये स्लैम बुक फिल कराते हैं. और उसी तरीके से आज हम मध्य प्रदेश का परिचय कंपेयर कर करके एक स्लैम बुक के फॉर्म में भरेंगे. हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश है ये हमारा दोस्त है और इसी से आज हमें स्लैम बुक फिल करानी है. थोड़ा सा कुछ अलग है पर बहुत ही अच्छा है. तो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की, द हार्ट ऑफ इंडिया की. पर उसके पहले थोड़ी सी जानकारी मेरे बारे में. तो मेरा नाम राजुल श्रीवास्तव है और मैं BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से मैंने अपना BE करा हुआ है. मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ उपनिषद अकेडमी में. मंडे टू संडे मैं पढ़ाती हूँ आपको पूरे सातों दिन. जी हाँ, पूरे सातों दिन हम पढ़ते हैं. 11 बजे हम पढ़ते हैं MP का जीके प्रिलिम्स के लिए और 2 बजे हम डिकोड करते हैं बुक लूसिन को. आगे बढ़ते हैं. आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे हमें और Unacademy लर्निंग ऐप पे. और Unacademy लर्निंग ऐप के मेरे स्पेशल क्लास भी शेड्यूल हो चुके हैं. प्रीवियस ईयर्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और प्लस कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है. तो उसे जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए. कैसे स्टार्ट करेंगे? Unacademy लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए. आपका जो गोल है ऑब्वियस MPPSC होगा. सो वो गोल को सिलेक्ट करिए और आपको क्या मिलेगा? तो मिलेगा फ्लेक्सिबल शेड्यूल, लैंग्वेजेस ऑफ योर चॉइस, अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस, बहुत सारी सुविधाएं हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्विजेस हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, सब कुछ मिलने वाला है. कैसे मिलने वाला है? तो सब कुछ मिलने के साथ आपको, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एक टीचर का कोर्स होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप ये देखो, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लैंग्वेजेस, जो भी आपका पूरा सिलेबस है, सबके अलग अलग फैकल्टीज मिलेंगे, अलग अलग एजुकेटर्स मिलेंगे. एक सब्जेक्ट के 4-4 एजुकेटर्स मिलेंगे. सो फुल राइट है आपके पास. आप आज़ाद हैं, आप अपने चॉइस का जो भी एजुकेटर हैं उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन में. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको यहाँ पे MP के स्पेसिफिक टॉपिक्स मिलने वाले. मेरा अपना एक टॉपिक है तो उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो. करना क्या है तो ये देखिए, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, काफ़ी अफोर्डेबल हैं, पॉकेट फ्रेंडली हैं. आपको ट्रेडिशनल क्लासेस की तरह बिग अमाउंट तो बिल्कुल नहीं पे करना है. सो सिंपल सा फंडा है, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, चाहे वो 1 मंथ का हो, चाहे वो 24 मंथ का हो, यूज़ माय कोड राजुल लाइव. राजुल इज मी और पढ़ाती हूँ आपको Unacademy स्टूडियोज प्लैच पे लाइव. सो यूज़ माय कोड राजुल लाइव. राजुल लाइव जैसे ही यूज़ करोगे इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा सारे कोर्सेज के लिए. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अ 12 मंथ कोर्स, आपको जो 12 मंथ कोर्स है अमाउंट कितना है? 7000. पर मेरा कोड जैसे ही एंटर करोगे RAJUL राजुल LIVE लाइव. सो मेरा कोड जैसे ही एंटर करोगे कंटिन्यू पे प्रेस करना है. उसके बाद क्या होगा? तो वो होगा ऐसा कि जो 7000 है उसमें से डायरेक्ट 700 रुपीज़ माइनस हो जाएगा और जो अमाउंट आपको पे करना होगा
वो करना होगा 6,300 रुपीज़। सो इट इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली और बहुत ही अफोर्डेबल है। ऐसे ही सेम 24 मंथ के लिए हर जगह मेरा कोड यूज़ करेंगे, राजुल लाइव है मेरा कोड, उसे यूज़ करिए, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे इस फ्रेंड की जो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को अपना दोस्त बना लीजिए, क्योंकि PSC एग्ज़ाम या व्यापम एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट ही ये स्टेट कराता है और आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी के बारे में है। तो भली भांति इसे अच्छी तरीके से जान लेना है। किताबें तो हमारी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, दैट बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड, ये तो हमने सुना है, लेकिन अब इस स्टेट को भी अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है और इस स्टेट का GK कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्लैम बुक ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, स्लैम बुक ऑफ मध्य प्रदेश। तो स्लैम बुक में आप सबसे पहले क्या रहता है, तो स्लैम बुक में क्या रहता है कि सबसे पहला, और कोई भी हो, स्लैम बुक हो, कुछ भी फॉर्म हो, तो क्या आपको फिल करना पड़ता है, आपको फिल करना पड़ता है नेम, नाम, और नाम के इधर साइड में छोटी सी एक इमेज होती है। तो हमारी स्लैम बुक में हम इमेज मध्य प्रदेश का मैप बना लेते हैं, ये लीजिए, ऐसे 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 कुछ कुछ रफ हमने मैप बना लिया, तो मध्य प्रदेश का मैप बना लिया। अब ये हो गई इमेज, अब बात करते हैं नाम की। तो नाम सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का नाम क्या है, मध्य प्रदेश, ये ऑब्वियस ही बात है। अभी नाम हर किसी को कोई ना कोई देता है, तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था, तो वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब दिया था, तो ये दिया था 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया था। आप नेक्स्ट कॉलम आपकी स्लैम बुक में क्या होता है, आप यदि अपने फ्रेंड से स्लैम बुक भराएंगे तो फर्स्ट थिंग इज नेम, नेम इज डन, नेम हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट चीज़ क्या रहेगा, तो वो रहेगा निकनेम, निकनेम यानी कि उपनाम। तो जैसे आपके दोस्त के, आपके जो फ्रेंड हैं उनके निकनेम होते हैं, तो मध्य प्रदेश का भी कुछ निकनाम होगा, निकनेम होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा है, तो इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो देखते हैं वो नाम कि मध्य प्रदेश को किन किन नामों से बुलाया जाता है और क्यों बुलाया जाता है, देखते हैं। मध्य प्रदेश को जो है हृदय प्रदेश कहा जाता है, हृदय प्रदेश, हृदय या फिर हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब हार्ट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो भारत के बीचों बीच आता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो हमारा हार्ट है, ठीक जिस जगह हमारी बॉडी में हमारा हार्ट आता है, वैसे ही भारत के उसी हिस्से पे ठीक लगा हुआ है मध्य प्रदेश। इस कारण से मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश या हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्लियर। उसके बाद क्या, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है डायमंड स्टेट। डायमंड स्टेट जहाँ हीरा बहुत पाया जाता हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ हीरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा उसी स्टेट को हम डायमंड स्टेट कहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो बता दूं कि मध्य प्रदेश के पन्ना में देश का 90% हीरा पाया जाता है, इस कारण से मध्य प्रदेश को जो है डायमंड स्टेट कहा जाता है। तो जी, हीरों की खदानों के लिए बहुत फेमस है और बहुत ही कीमती जो हीरे हैं ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना में। अगली चीज़ क्या है, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत के मध्य में है, इंडिया के सेंटर में है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट जो है वो है मिनिएचर इंडिया। मिनिएचर का मतलब होता है लघु, लघु भारत। तो मध्य प्रदेश को लघु भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है। देखिए, बात यदि आप करें दूसरे राज्यों की, दूसरे स्टेट्स की, तो बात करें यदि महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में किस, कैसे लोगों की अधिकता मिलेगी, आपको मराठी भाषी लोग मिलेंगे अधिकतम। गुजरात की बात करें, गुजराती भाषी। राजस्थान की बात करें, मारवाड़ी। उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, तो आपको बिहारी भाषा मिलेगी। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश में आएँ, तो आपको अलग अलग भाषाएँ मिलेंगी, अलग अलग परिधान मिलेगा, अलग अलग कल्चर मिलेगा। जैसे भारत विविधताओं का
देश है, अलग अलग परिधानों का देश है, ऐसे ही मध्य प्रदेश विविधताओं का, अलग अलग परिधानों का, अलग अलग सभ्यताओं का प्रदेश है। तो इसीलिए इसे एक छोटा सा भारत कहा गया है। मध्य प्रदेश को लघु भारत, इंग्लिश में मिनिएचर ऑफ इंडिया कहा गया है। और क्या कहते हैं हम, तो इसे हम कहते हैं हाउस ऑफ रिवर। हाउस ऑफ रिवर क्या होता है, नदियों का मायका। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियाँ होकर गुजरती हैं। और क्या कहते हैं, तो कहते हैं इसे सोया स्टेट। सोया स्टेट या सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अब सोयाबीन प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन इसकी राजकीय फसल है और सोयाबीन अधिक मात्रा में होने के कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट को लेके एक छोटा सा नया अपडेट आया है कि मध्य प्रदेश जो है 2014 तक क्या कहलाता था, तो 2014 तक मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता था। फिर क्या हुआ, टाइगर स्टेट, फिर क्या हुआ, जो टाइगर हैं उनकी जो संख्या है वो कम हो गई और टाइगर स्टेट क्या कहा जाने लगा, तो वो कहा जाने लगा कर्नाटक। लेकिन अभी जो रिसेंट में फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो दोबारा बढ़ गए हैं और इसलिए अब जो मध्य प्रदेश है वो दोबारा टाइगर स्टेट कहा जाने लगा है। तो ये थे सारे नाम और निकनेम मध्य प्रदेश के। आगे देखते हैं स्लैम बुक में क्या आता है। हाँ जी, तो नाम और निकनेम फिल करने के बाद स्लैम बुक में एक कॉलम आता है, दैट इज योर एज। आपकी उम्र पूछी जाती है, आपकी एज पूछी जाती है। एज के बाद एक और कॉलम आता है जिसमें आपका एड्रेस लिखना होता है, आपको एड्रेस या फोन नंबर आपको लिखना होता है। तो अब एज को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एज की जगह हम मान लेते हैं एरिया, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, वो है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 308,252 किलोमीटर। 308,252 किलोमीटर मतलब कि ये 17 गुना बड़ा है इज़राइल से और 5 गुना बड़ा है श्रीलंका के भाग से, ऐसा आपकी मुकेश माहेश्वरी की किताब में लिखा है, लेकिन ये फैक्चुअल नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो कुल एरिया है वो है 308,252 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, जो हो जाएगा हमारे इस मध्य प्रदेश का एड्रेस या लोकेशन या अवस्थिति। देखते हैं, तो ये है भारत का नक्शा और भारत के नक्शे के बीचों बीच आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश को यदि नापा जाए तो दो अक्षांश रेखाएं हैं, एक है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ पा रहे हैं, अक्षांश मैंने बताया, क्या बताते हैं, लैटिट्यूड, क्लाइमेट चेंज बताते हैं, और लॉन्गिट्यूड क्या बताते हैं, टाइम चेंज बताते हैं। तो जो लैटिट्यूड है वो कितना है, 21 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ये धीरे धीरे सीख जाएंगे आप, आपको बस इतना याद रखना है। लोगों को ये नहीं आते समझ में या वो याद नहीं कर पाते, तो इतना याद रखिएगा कि बीच से तो निकलती है कर्क रेखा, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से निकलती है, वो कितना होता है 23.5 डिग्री की होती है। अब क्योंकि इसके ऊपर या नीचे की बात की गई है तो नीचे क्या होगा, 23 से कम होगा, ऊपर क्या होगा, 23 से ज़्यादा होगा। अच्छा, अब कर्क रेखा जो है वो दक्षिणी हिस्से की तरफ ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, मतलब 21 डिग्री 6 मिनट, और उत्तरी हिस्से में कम है तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 26 डिग्री 30 मिनट। ये बात थी लैटिट्यूड की, बात थी अक्षांशों की। अब हम बात करते हैं देशांतर, दैट इज लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो जो लॉन्गिट्यूड हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूड जो लंबे होते हैं वर्टिकल में होते हैं।
74 degree 59 minute eastern longitude, or say 82 degree 66 minute eastern longitude. हिंदी में समझेंगे 74 डिग्री 59 मिनट का जो है पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 67 मिनट पूर्वी देशांतर. आगे बढ़ते हैं, ये सारी बात हुई और एग्जैक्ट सेंटर में आता है मध्य प्रदेश. चलिए अब जो नेक्स्ट चीज है, अब हम थोड़ी और मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, थोड़ा और स्पेसिफिक डिटेल की बात कर लेते हैं, एड्रेस में थोड़ा और घुसते चले जाते हैं. तो अब क्या है, मध्य प्रदेश की जो चौड़ाई है वो मध्य प्रदेश की लंबाई से ज्यादा है. देखते हैं कैसे. तो ये है मध्य प्रदेश का मैप और यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है. देखिए ये जो लंबाई है, यदि आप नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ की तरफ जाएं तो आपको जो डिस्टेंस है वो कम है. कंपैरेटिवली यदि आप ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएं तो आपको ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा मिलेगा. तो देखते हैं कितना कितना है. यदि आप नॉर्थ डायरेक्शन से मध्य प्रदेश में साउथ डायरेक्शन की तरफ यात्रा कर रहे हैं, दैट इज़ आप मुरैना से बुरहानपुर की तरफ जा रहे हैं, तो जो टाइम लगेगा आपको, कितना लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी 605 किलोमीटर की. और यदि आप सिंगरौली से अलीराजपुर की तरफ जा रहे हो तो आपको कितनी यात्रा करनी पड़ेगी, तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी 837 किलोमीटर, 837 किलोमीटर. आगे बढ़ते हैं. मध्य प्रदेश क्या है, लैंडलॉक्ड है. लैंडलॉक्ड होने का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो किसी भी कोस्टल लाइन को टच नहीं करती. कोस्टल लाइन का मतलब क्या होता है, समुद्री तल को नहीं टच करती. ये भी अभी हम क्या चल रहे हैं, एड्रेस में चल रहे हैं स्लैम बुक के. तो देखते हैं मध्य प्रदेश के चारों ओर क्या है. अब बात कर ले थोड़ी सी पड़ोसियों की. तो ये रहा नॉर्थ डायरेक्शन, जहाँ पे आता है मुरैना, जो कि मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है. उसके बाद फिर ये रहा आपका ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा, जहाँ पे है सिंगरौली. और मध्य प्रदेश का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है सिंगरौली. नीचे की तरफ आए तो ये रहा बुरहानपुर और ये रही साउथ डायरेक्शन. और मध्य प्रदेश का सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहा जाता है किसे, बुरहानपुर को. अब थोड़ा और आगे बढ़ें तो ये आती है वेस्ट डायरेक्शन और यहाँ पे मिलता है अलीराजपुर. तो मध्य प्रदेश का वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है अलीराजपुर. अब हम समझते हैं ये लैंडलॉक्ड कैसे है. तो मैं बता देती हूँ पड़ोसी राज्य. पड़ोसी राज्य हम कैसे समझेंगे, तो देखते हैं. यदि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आप ट्रेवल कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे, तो आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश मिलेगा. और यहाँ पे मध्य प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे, तो आता है भिंड, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, और यहाँ पे नया जिला बना है जो बना है निवाड़ी. फिर क्या मिलेगा, छतरपुर. छतरपुर के बाद पन्ना, सतना, रीवा, थोड़ा सा ऐसा सीधी और सिंगरौली. तो ये कुल 14 जिले आते हैं यहाँ पे. और मैं ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें ठीक से समझ आ रही हूँ. जब आप ईस्ट डायरेक्शन से साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, और ये सारे ज़िले आते हैं. टोटल 6 ज़िले आते हैं यहाँ पे. और कंप्लीट साउथ की बात करें, यानी कि बड़वानी तक आपको मिलने वाला है महाराष्ट्र, और अलीराजपुर और झाबुआ, यानी वेस्ट में यहाँ पे मिलेगा गुजरात, और यहाँ से यहाँ तक मतलब नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगा राजस्थान. और आपको कोई भी समुद्री तल नहीं मिल रहा है, कोई भी कोस्टल लाइन या बाउंड्रीज नहीं मिल रही हैं. तो इस तरीके से मध्य प्रदेश क्या है, लैंडलॉक्ड है. आगे बढ़ते हैं. अब हम जैसे ही स्लैम बुक में और आगे की चीज़ें
भरते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है फेवरेट डिश, फेवरेट फ्लावर, फेवरेट सॉन्ग और ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं, फेवरेट स्पोर्ट्स, फेवरेट पैच, ये सब पूछा जाता है ना। तो अब हम ऐसे समझेंगे स्टेट सिंबल्स को कि वो मध्य प्रदेश का फेवरेट फेवरेट है इस तरीके से। तो देखिए स्टेट जो ड्रामा है आप समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश को ये ड्रामा बहुत पसंद है। तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट ड्रामा है वो है माच या फिर माच। उसके बाद जो स्टेट फिश है वो है महशीर स्पीशीज, और महशीर कुछ इस तरीके की मछली होती है। स्टेट फ्लावर की बात करें, राजकीय पुष्प की बात करें तो वो है वाइट लिली, सफ़ेद लिली। डांस ऐसा मान लें मध्य प्रदेश का फेवरेट डांस, वो क्या है, वो है राई। एनिमल है बारहसिंघा, और ट्री है बनियन ट्री या बरगद का पेड़। बर्ड जो है वो है दूधराज, जिसे हम पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं या शाही बुलबुल कहते हैं। और गेम है वो है मलखंब, और जो कब बना, 2013 में बना। आगे की बात करते हैं, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय गान की। ऐसे समझ लेते हैं कि स्लैम बुक में मध्य प्रदेश से उसका फेवरेट सॉन्ग पूछा गया, तो मध्य प्रदेश ने ये प्यारा सा सॉन्ग भरा जो है, सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है, उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। बिल्कुल सही बातें लिखी गई इस राजकीय गान में, और इस राजकीय गान को किसने लिखा था, तो वो लिखा था महेश श्रीवास्तव जी ने, महेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश का राजकीय गान किसने लिखा था, महेश श्रीवास्तव जी ने। और आगे बढ़ेंगे तो अब जैसे ही हम स्लैम बुक्स भरते हैं या बायोडाटा भरते हैं या रिज्यूमे भरते हैं, तो आपसे जो है उसमें आपके पेरेंट्स के बारे में पूछा जाता है, काइंड ऑफ इस तरीके से हम समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की करंट पोजीशंस की। तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं, जो मध्य प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चला रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो लालजी टंडन जी हैं, लालजी टंडन जी। उसके बाद मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है सिटी ऑफ लेक, झीलों की नगरी जो है भोपाल, बहुत ही खूबसूरत शहर है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, भोपाल ज़रूर जाइएगा। उसके बाद बात करें चीफ मिनिस्टर की, मध्य प्रदेश के जो CM हैं वो हैं श्री कमलनाथ जी। और यदि आबादी की बात करें, हम पॉपुलेशन की बात करें, तो मध्य प्रदेश की जो कुल आबादी है वो है 7.33 करोड़, और ये जो है 2012 की जनसंख्या के अनुसार है, जनगणना के अनुसार है ये जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं कुछ बातें स्लैम बुक में, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें समझते हैं। तो टाइम डिफरेंस की बात करें, यदि आप मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ जाएंगे, यदि आप सिंगरौली से अलीराजपुर की तरफ जाएंगे तो 34 मिनट का टाइम लगेगा, और टाइम अंतर आएगा, टाइम डिफरेंस आएगा। मान लीजिए अभी इसी वक्त जो सिंगरौली है वहाँ पे बज रहे हैं दिन के 11, तो यदि आप अलीराजपुर पे सेम उस टाइम का टाइम देखेंगे तो वो बज रहा होगा 11:30। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं वो है 14। और जो डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से GMT लाइन होकर निकलती है, जो टाइम लाइन है 82.5 डिग्री की, वो भारत की भी टाइम लाइन है, वो मध्य प्रदेश के इकलौते डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिंगरौली है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में सूर्योदय कहाँ होता है, तो वो होता है सिंगरौली में।
सबसे लास्ट में जो सूर्यास्त है वो कहाँ होता है? अलीराजपुर में होता है। बात सीधी सी है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, पूर्व में आता है सिंगरौली तो पहले सिंगरौली, और पश्चिम में ढलता है तो पश्चिम में आता है अलीराजपुर, इसलिए अलीराजपुर। जो देश है मध्य प्रदेश के पास वो है नेपाल। और यदि हम सी की बात करें, ऐसे तो मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड है पर नज़दीक में क्या पड़ेगा? तो वो पड़ेगा अरब सागर या अरेबियन सी। तो ये कुछ बातें थी मध्य प्रदेश के बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि टॉपिक ठीक से कवर हुआ होगा। इस तरीके से मध्य प्रदेश को आप फ्रेंडली वे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और साथ में थैंक यू सो मच, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। और मध्य प्रदेश जो है वो बहुत ही प्यारा है, इस तरीके से मध्य प्रदेश से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि प्रिलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम तो आपको मध्य प्रदेश ही क्लियर कराने वाला है। किताबों की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी लोग बुक्स के बारे में पूछते हैं, तो बुक्स के बारे में बता देती हूँ। बुक्स क्या क्या आप पढ़ सकते हैं? आप मुकेश माहेश्वरी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम की बुक है, लेकिन कुछ गलतियां हैं बुक में तो उनका ध्यान रखिएगा, हमेशा क्रॉस चेक करके पढ़ना है। दूसरी चीज़ TMH टाटा माइग्रो हिल्स की मध्य प्रदेश एट ग्लांस करके एक बुक आती है, मध्य प्रदेश का GK, ये दोनों बुक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और क्या क्या किताबें हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो वो है पुनेकर की एक बुक आती है, अच्छी सी बुक है, पढ़ सकते हैं आप इसे बिल्कुल। और मोर प्रसाइज और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी ग्रंथ साहित्य अकेडमी की किताब आती है, उसे आप पढ़ सकते हैं। तो इन चारों किताबों से मध्य प्रदेश जो टॉपिक है आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी प्रिलिम्स तो हम कवर कर ही रहे हैं 11 बजे रोज़, तो उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करना, वो तो एज इट इज़ कवर करते जाना है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच। और आपका संडे जो है वो अच्छे तरीके से बीते, आप अपना दिन इन्जॉय करें, और हैप्पी संडे टू ऑल। एंड वन मोर थिंग, सब्सक्रिप्शन के बारे में एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले, कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। सेम कोड, मेरा कोड यूज़ कीजिएगा, माई कोड इज़ राजुल लाइव, RAJUL राजुल, विच इज़ मी, और पढ़ाती हूँ आपको अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेच पे लाइव। सो यूज़ माई कोड राजुल लाइव, सारे ही सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। और आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, 24 मंथ का यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अमाउंट है 11,200 रुपीज़, ऑलरेडी इसमें ऑफ मिल रहा है। और यदि मेरा कोड यूज़ करेंगे राजुल लाइफ, सो आपको और डिस्काउंट मिलेगा, और अमाउंट जो पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 10,080 रुपीज़। सो बहुत अच्छी डील है, जल्दी से कर लीजिए। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीडबैक फॉर्म मिल जाएगा, फीडबैक फॉर्म ज़रूर भरिए और बताइए कि हमारा जो सेशन है वो आपको कैसा लग रहा है, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, और क्या क्या हम अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेच में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सो वो प्लीज़ बताइएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियोस। और जो भी लोग वैल्यूबल हैं, नीडफुल हैं, रूरल एरियाज़ में हैं, नहीं है उतने एडवांस टेक्नोलॉजीज तक नहीं पहुँच सकते, तो उनके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो है अनअकैडमी स्टूडियोज और अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सो उन्हें अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में बताइए, और साथ ही ये बताइए कि उन्हें अपना होम टाउन, अपना घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना गांव, अपना शहर, वहीं पे बैठ के वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ रह के पढ़ सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल 7,000 से लेके जो है उनको बहुत ही अच्छे अमाउंट में सिर्फ 6,300 रुपये में उनको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है 12 महीने का, तो वो ले सकते हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि क्लास मिस ना कर पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ एंड थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहें, टेंशन बिल्कुल ना लें। चलिए, बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडे।